हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमास किचन। आज हम ये बड़े नींबू का अचार बनाने जा रही हूँ। ऐसे बड़ा नींबू कभी मिल जाती है तो इसे आप धो के, पानी नहीं रहना चाहिए, इसको पोंछ के फिर इसको दो टुकड़ा कर लिया मैंने। इसको दो तरीके से बनाने जा रही हूँ। एक तरीका ये है, आधा नींबू को पहले छोटा छोटा टुकड़ा काट देंगे, उसमें जो बीज नहीं रहना चाहिए, बीज जो है कड़वा करता है अचार को, इसलिए बीज निकालना ज़रूरी है। तो कितना छोटा टुकड़ा काट सकते हैं वो उतना छोटा टुकड़ा काट लीजिएगा। देखिए, एक कप पूरा ये आया, 2.5 चम्मच हमने नमक निकाल के रखे हैं। एक बॉटल लिया, बॉटल सूखा हुआ है, ये बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। मैं जो कटा हुआ टुकड़े हैं उसमें डाल दिए, इसके ऊपर से हम नमक डाल देंगे। ये आप पूरे 6 महीने तक रख सकते हैं, जब आपको चाहिए तब उस समय आप अचार बना सकते हैं। ये देखिए, नमक डाल के इसे हिला दिए, मतलब नमक अंदर चले गए, हमें शेक करके रख दिया। दूसरी तरीका ये है, बाकी जो आधा नींबू रखे हुए हैं उसको काट देंगे, वो इंस्टेंट अभी अचार बना देंगे। उसके लिए हमने 1 चम्मच मेथी दाना जो है ड्राई रोस्ट करके उसके पाउडर बना के अलग कर लेंगे। कढ़ाई में हमने तिल का तेल डालें, उसमें 1 चम्मच सरसों दाना के बाद 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्चा पाउडर, फिर ये कटा हुआ नींबू। अब इसके लिए 2 चम्मच नमक। ये इंस्टेंट बन जाएगा, ये जैसे बनाने के बाद तुरंत आप यूज़ कर सकते हैं। इसको तब तक पका लीजिए जो छिलके हैं वो नरम हो जाएं। जब गैस बंद करने के पहले जो पीसा हुआ मेथी दाना जो है उसके पाउडर डाल देंगे, पाउडर डाल के फिर गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, नरम होने लगा, थोड़ी सी और पका देंगे। हाँ, मोस्टली हो गया है। हो गया। अब हम इसमें मेथी दाना की पाउडर डाल देंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। आप भी दाल चावल के साथ इसको आप ले सकते हैं, अच्छा लगता है। अगले वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। Thank you, friends.